हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में हम एडोबी फोटोशॉप के वर्क स्पेस को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ सर्च बॉक्स में फोटोशॉप लिखेंगे तो सामने फोटोशॉप का आइकन दिख जाएगा, इसमें क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। ये फोटोशॉप का वर्क स्पेस है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें टूल बॉक्स मिलता है। यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं अलग अलग वर्क से रिलेटेड। अगर कभी टूल बॉक्स यहाँ से हट जाता है या नहीं शो होता है तो विंडो मेन्यू में जाकर के टूल्स पर क्लिक करके वापस से इसको ला सकते हैं। टॉप में हमें यहाँ पे ऑप्शंस बार मिलता है। यहाँ पे सभी टूल से रिलेटेड ऑप्शंस शो करता है। अगर कभी ऑप्शन बार नहीं आ रहा है या हमें इसको शो हाइड करना है तो विंडो मेन्यू में जा करके हम ऑप्शंस को शो हाइड कर सकते हैं। राइट साइड में हमें कई सारे पैनल्स मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग वर्क से रिलेटेड हमें ऑप्शंस मिलेंगे। अगर ये पैनल्स यहाँ से ऑफ हो जाते हैं तो हम लोग विंडो मेन्यू में जा कर के अलग अलग पैनल्स को वापस ऑन कर सकते हैं। विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वर्क स्पेस प्रीसेट्स मिल जाएंगे, लाइक पेंटिंग, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी। तो जैसा वर्क करना है वही वर्क स्पेस हम ऑन कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसेंशियल्स रहता है। अगर हमें फिर से रीसेट करना है तो इसेंशियल्स पर क्लिक कर देंगे। या तो हम अपने वर्क से रिलेटेड पैनल्स को ऑन कर लेंगे और अपना एक न्यू वर्क स्पेस सेव कर सकते हैं। अब फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और जो भी इमेज में हमें एडिट करना है इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो उसके लिए न्यू कैनवस ले लेंगे और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैनवस साइज सेलेक्ट कर लेंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग पेज को आर्टबोर्ड बोलते हैं और फोटोशॉप में पेज को हम लोग कैनवस बोलते हैं। एडोबी फोटोशॉप में पूरा वर्क लेयर बाय लेयर होता है। लेयर्स को अच्छे से समझने के लिए व्हाट इज लेयर क्लास वीडियो जरूर देखिए।